ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, किसी को बात गलत लगी हो तो माफी मांगता हूं, नीतीश कुमार ने कहा है। महिला उत्थान के संदर्भ में बयान दिया था, महिला उत्थान के लिए बिहार में बहुत काम किया नीतीश कुमार ने, ये तमाम बातें कही है। निंदा करने वालों का भी अभिनंदन करता हूं। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान पर ये माफी मांगी है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि किसी को बात गलत लगी हो तो माफी मांगता हूं, महिला उत्थान के संदर्भ में बयान दिया था, महिला उत्थान के लिए बिहार में बहुत काम किया, निंदा करने वालों का भी अभिनंदन करता हूं। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया था, अब उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। मैं खुद पर शर्म महसूस करता हूं, सीएम नीतीश ने कहा है। तो बिहार सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। नीतीश कुमार ने कहा है, किसी को बात गलत लगी हो तो माफी मांगता हूं। तो अपनी माफी में तमाम तरह की बातें कही गई। निंदा करने वालों का भी अभिनंदन करता हूं, नीतीश कुमार ने कहा है। मैं अपनी निंदा करता हूं, सीएम नीतीश कुमार ने माफी में ये तमाम बातें कही है। मैं खुद पर शर्म महसूस करता हूं। बिहार का आया तो वहां के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा, और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हम पे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों, जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, इसको हम वापिस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर